अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और एक्साइटिंग शॉपिंग वीडियो लेकर आई हूँ, दैट इज़ वन रियल शॉप व्लॉग। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, कहाँ है ये शॉप, ये सब कुछ कैसे पता चलेगा, इस वीडियो का पूरा देखें तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इस शॉप की बहुत सारी ब्रांचेज हैं यहाँ रियाद के अंदर। इस शॉप का नाम है रियाद अल बरका। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इधर आपको क्या क्या मिलेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट का सबसे अच्छा जो सामान होता है वो इसी शॉप पे मिलता है आपको। जिससे भी जितना भी आपको आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड सामान होता है, या पज़ल्स होते हैं, या कलरिंग बुक्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको सबसे अच्छी इसी शॉप पर मिलेंगी। अब आप ये देखें, कलर पेंसिल्स थे, नोट पैड्स थे, पेंट कलर्स हैं। अच्छा, इसमें वन पीस 1.15 रियाल का, या 1.5, अब 1.15 तो रहा भी नहीं है, 1.50 है, या 1.75 रियाल का है। ये देखिए, पेंसिल्स पड़ी हैं यहाँ पे। कलर पेंट्स के साथ आपको एक कुछ ना कुछ कलरिंग के लिए मिलता है, बोर्ड सा या कार्ड समझ लें आप, बच्चों के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बैग्स हैं, ये डिस्पोजेबल बैग्स भी होते हैं। इसको आप उसके ऊपर प्रिंट हुआ होता है, उसके अंदर कलर्स करने होते हैं, वो बच्चों के बैग्स ही बन जाते हैं। ये मास्क पड़े हुए थे, इसके आपने कलरिंग करनी है, और यू कैन यूज़ इट एज़ अ मास्क। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ के लिए सामान है, बहुत अच्छा कि आप बच्चों को दे सकते हैं और वो उसको यूज़ भी कर सकते हैं, और एक एक्टिविटी भी हो जाती है, थोड़ी चेंज एक्टिविटी हो जाती है। यहाँ पे ये हैट्स वगैरह इसको बना कर, और क्राउन पड़े हुए थे कि आप उसको उसको थोड़ा सा उसमें एक्टिविटी थी उसके बाद वो आप यूज़ कर सकते थे। और फिर ये स्टिकर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो बच्चे हैं, या जो इस तरह के जितनी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं लोग, उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप इन शॉप पे जाइए और अपना सामान लीजिए। यहाँ पे ये पज़ल था, पज़ल नहीं था, ये कलरिंग के लिए था। इसके अंदर चार शीट्स थी और उसमें कलर्स करना था। ये स्टेशनरी सेट्स थे, ये आई थिंक 2 रियाल का था, या इस तरह करके था। अब आ जाते हैं हम किचन सेक्शन की तरफ। यहाँ पे बास्केट्स पड़ी हुई थी, बहुत खूबसूरत सी बॉटल्स। ये बॉटल्स थोड़ी सी, जो थोड़े बड़े साइज़ की थी, वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, बाकी 1.75 की थी। ये आपने कुछ हॉट पॉट वगैरह रखना हो किसी के लिए, उसके लिए है, कि नीचे वो बर्निंग से बचाने के लिए। अब ये किचन की क्लीनिंग का सामान आ गया है। ये अगेन बच्चों के लिए कलरिंग बुक थी, इसके अंदर डिफरेंट कलरिंग थी और पज़ल्स वगैरह थे। ये देखिए, मेडिसिन डिवाइडर हैं, या आपने ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे बॉटल्स बड़ी मुझे क्यूट लगी थी, और ये बहुत छोटी छोटी थी कि आप बच्चों के लिए सैनिटाइज़र के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और अपने ट्रैवलिंग बैग्स में भी डाल सकते हैं। ये किचन के लिए आप अक्सर, हमें फ्रूट्स वेजिटेबल धो के रखने के लिए छोटी छोटी बास्केट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल की और डिफरेंट साइज़ की बास्केट्स थी। मैंने भी यहाँ से बहुत सारी बास्केट्स परचेज़ की थी, कि मुझे फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करने के लिए चाहिए थी। अच्छा, ये पड़े हुए थे लॉक करने के लिए, जो हम लोग चिप्स वगैरह के पैकेट्स वगैरह होते हैं उनको लॉक करने के लिए स्टेपर की तरह होते हैं, उसको यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छे थे, 1 रियाल में 4 पीसेस थे, और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं घर के अंदर अक्सर, स्पेशली अगर बच्चों वाला घर है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं ये आप किचन के लिए। ये जो पूरा सेट था, ये आई थिंक 5 या 6 रियाल का एक था, इसमें 4 या 5 पीसेस थे। ये अच्छा होता है घर में यूज़ करने के लिए। अगेन बास्केट्स की बहुत बड़ी रेंज पड़ी थी, आप जाएँ और लें और मज़े करें, और ये एज अ डिस्पोजेबल बास्केट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी होती नहीं है। अब आ जाते हैं हम ट्राई सेक्शन की तरफ। ट्राई सेक्शन में बहुत अमेजिंग चीज़ें पड़ी हुई थी इस शॉप के ऊपर। ये जो पैकेट था एनिमल्स वाला, इसमें आई थिंक 4 या 5 थे, ये 5 रियाल का एक पैकेट था। और ये आगे जब हम जाते हैं तो ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्पोजेबल और पार्टी से रिलेटेड सामान आ चुका है। ये भी तकरीबन कोई 2 रियाल का था, कोई 3 रियाल का। बैलून्स थोड़े एक्सपेंसिव थे, दैट वाज ऑफ 5 रियाल 6 रियाल 7 रियाल, डिफरेंट डिपेंड करता था कि फॉइल बैलून्स हैं या क्या चीज़ हैं, उस पर डिपेंड कर रहा था। अच्छा, अब ये देखिए, फिर टॉय सेक्शन आ गया, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ से, तो वो इस वजह से सारा इकट्ठा उसका क्लिप बना हुआ है। ये देखिए, इसमें अब ये 4 कार का जो था वो 1.50 का था। इस तरह फिजर्स पड़े हुए थे, रिलैक्सिंग बॉल्स पड़ी हुई थी, बहुत कुछ था। और ये जो बहुत सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट भी कर रही थी, एनिमल्स भी पड़े हुए थे छोटे छोटे, जो बच्चे अक्सर खेलने के लिए यूज़ करते हैं, इवन हम लोग तो अक्सर डेकोर में भी यूज़ कर देते हैं। ये रिस्ट वॉचेस थी, ये अच्छी थी, लेकिन ये खेलने के लिए थी, और ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। ये सेट था, एक छोटी सी गेम का सेट था साथ में, बच्चों के लिए नेकलेस था अंदर। अगेन ये 1.50 की डॉल्स वगैरह थी, और ये सेट्स भी कुछ 1.50 के थे, कुछ 1.75 के थे। साथ साथ देखें, प्राइजेस भी नज़र आ रही होंगी आपको, इस तरह डिफरेंट प्राइजेस थी। ये अगेन फिर हम टॉय सेक्शन साथ ही था उसके, इसमें छोटी सी गन्स और इस तरह के बहुत सारे
टॉयज़ की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के टॉयज़ नहीं थे, नॉर्मल क्वालिटी के टॉयज़ थे। लेकिन ये है कि अगर आप लेना चाहते हैं कि बच्चे थोड़ी देर के लिए खेल के उसको ख़राब ही कर देते हैं, नॉर्मली हर टॉय चाहे जितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो उसको वो ख़राब करना ही होता है। उन्होंने सुबह तक उसकी बस होता है कि थोड़ी सी होती है, उसके बाद उसका बेड़ा गर्क हो चुका होता है शाम तक। यहाँ पर गई थोड़े से पार्टी का सामान भी साथ ही पड़ा हुआ था टॉय सेक्शन में। अच्छा, ये वाली जो वनरियल शॉप है काफ़ी पुरानी है, और ये बाकी जो वनरियल शॉप्स का जो मैंने आपको टूर कराया था उनसे थोड़ी सी हटके इधर तकरीबन ये सारी चीज़ें रहती हैं। थ्रू आउट मैंने उनको देखा है, बाकी जो वनरियल शॉप्स हैं वहाँ पर चीज़ें ऑन एंड ऑफ आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। इधर जो इनका एक वो स्टेपेंट चीज़ें हैं ना वो रहेंगी, थ्रू आउट आपको नज़र आती रहेंगी। ये देखिए ज्वेलरी इनके पास बहुत अमेजिंग पड़ी हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे हेयर बैंड्स पड़े हुए थे, पोनीज बहुत अच्छी थी, हेयर एक्सेसरीज मुझे इन शॉप से बहुत अच्छी लगी थी। स्टर्ट्स के मैंने बॉक्सेस देखे थे, लिटरली बॉक्सेस, दैट वाज आई थिंक 3 to 4 स्टर्ट्स इन अ बॉक्स एंड दैट वाज 1.50 समथिंग लाइक दिस। ये देखें आपको इसी तरह कॉम्स भी बहुत प्यारे क्यूट क्यूट कॉम्स थे, हेयर ब्रशेस थे, इस तरह की चीज़ें बहुत क्यूट क्यूट थी, हेयर पिंस थी, और ये इस तरह के भी जो सेट थे छोटे छोटे उसमें पिंस थी और पोनी थी और हेयर बैंड्स वगैरह थे, दैट वाज अराउंड 1.75 रियाल। फेक नेल्स भी बहुत अच्छे अच्छे पड़े हुए थे, मैं साथ साथ अपनी चीज़ें भी उठा रही थी, जो मुझे चीज़ें चाहिए थी अपने लिए तो वह भी साथ साथ उठाती जा रही थी, क्योंकि टाइम कम था और मुझे था कि साथ साथ व्लॉग भी बना लेते हैं और साथ साथ शॉपिंग भी अपनी कंटिन्यू करती हूँ। और आप देख रहे होंगे छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये भी मुझे 3 point something का था, उसमें एक थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी के लिए था या एक छोटा सा टॉय था, साथ एक दो ज्वेलरी के चीज़ें थी, तो वो भी बड़ा क्यूट लग रहा था। अच्छा, ये अगेन अब हम फ्लावर्स वाली साइड पे आ गए हैं, डेकोर साइड पे आ गए हैं। ये जो मल्टी कलर के जो फ्लावर्स पड़े हुए थे, दैट वाज ऑफ 1 रियाल फॉर 1 पीस, और जो सिंगल कलर वाले फ्लावर्स थे दैट वाज ऑफ 3 to 4, दैट वाज इन आई थिंक 1.50 फॉर 3 to 4 pieces आई थिंक। ये देखें फेक नेल्स जो मैंने उठाए हुए थे ये वही हैं, अच्छे थे, दीज वर इन आई थिंक 1.50 रियाल, और ये भी बहुत अच्छे थे। ये देखिए पोनीज़ की तो इतनी बड़ी कलेक्शन पड़ी हुई थी ना कि आप बस देखते रहें और आप कंफ्यूज हो जाएं कि लेनी कौन कौन। ये वाले स्टर्ट्स से जिनकी मैं बात कर रही थी कि ये देखें आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और ये एक बॉक्स 1 point something का था। मेरी तरफ से मस्ट विज़िट है अगर आप बच्चों के लिए, अपने लिए, घर के लिए थोड़ी सी चीज़ें जो थोड़ी इकोनॉमिकल भी हों, बजटेड भी हो, क्योंकि आजकल आपको पता ही वैसे ही इतनी ज़्यादा हर चीज़ महंगी हो चुकी है, तो बेहतर है कि बजट की तरफ हम लोग बजटेड चीज़ों की तरफ आना शुरू हो जाएं। तो ये शॉप्स, दीज शॉप्स आर रियली रियली वेरी गुड फॉर ऑल दीज थिंग्स। ये सेट्स पड़े हुए थे कॉम्ब और मेरे का, दैट वाज अराउंड 1.75 रियाल आई थिंक। ये हेयर पिंस हैं, हेयर पिंस भी बहुत क्यूट पड़ी हुई थी। अगर मैं आपको यहाँ से कुछ पीसेज उठा के दिखाऊँगी, हाँ ये देखें कुछ ये बहुत प्यारी पड़ी हुई थी। ये आपको 5 रियाल शॉप पे जाओ तो कभी कभी मिल जाती हैं 2 pieces in 5 रियाल, और कभी कभी 1 piece in 5 रियाल ही मिलता है। और शीन पे भी अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें आई थिंक 3-4 रियाल से कम तो है ही नहीं, मिनिमम प्राइस ही उनकी अब 3-4 हो गई है। पहले उनकी भी 1 रियाल होती थी बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन अब उनकी मिनिमम प्राइस 3-4-5 स्टार्टिंग होता है कि आप वहाँ से स्टार्ट करते हो अपनी चीज़ें खरीदना, उससे कम रेंज में कुछ भी नहीं मिलता। अब फ्लैश सेल में भी 3.99 में बहुत रेयर चीज़ें आती हैं, पहले 1 रियाल में या 0.75 रियाल। इवन आई रिमेंबर अ टाइम जब शीन पे 0.00 रियाल की भी ऑफर्स आया करती थी। ये फैंस भी बहुत अच्छे रहते हैं, खासकर पाकिस्तान में जब लाइट लगी, यहाँ तो खैर लाइट जाती नहीं है इतनी, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो लाइट चली जाती है, अदरवाइज नहीं, लेकिन हमने फिर भी ये लिए हुए हैं फैंस। मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे जो डिवाइडर्स और जो स्पेशली आर्ट एंड क्राफ्ट ज्वेलरी का जो सेक्शन होता है ना, मुझे वो इस वाली शॉप का बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने बहुत सारी शॉप्स पे और देखी हैं वेंडर शॉप्स पे, लेकिन वो चीज़ें आपको नहीं मिलती जितनी ज़्यादा वास्ट यहाँ पे रेंज आपको मिल जाती है, वो कहीं भी नहीं मिलती है। ये डिफरेंट वो थे रोलर्स थे विद डिफरेंट प्रिंट्स फॉर पेंटिंग एंड ऑल दैट स्टफ़। ये देखें फिर अगेन इनका ये बहुत बड़ा सेक्शन है, और इनके पास बहुत तरह की एक्टिविटी की चीज़ें हैं, सैंड आर्ट्स भी मिलेंगी, पेंट कलर्स के साथ भी मिलेगा, पेंसिल कलर के साथ भी मिलेगा, क्राउन्स कलर्स के साथ भी मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी और बहुत डिफरेंट। ये नहीं होगा कि आपको एक ही तरह की हर चीज़ मिलेगी, नहीं। अच्छा, वुडन क्राफ्ट भी होता है इनके पास, लाइक उसके ऊपर वुड के ऊपर इन्होंने कुछ पिक्चर्स बनाई होती हैं, कुछ इस तरह से होता है उसके अंदर कलर्स करने। ये देखें ये कितने क्यूट हैं, ये अगर आप अपने घर में रात में लगाएं तो आपको पता ही है क्यों यूज़ होते हैं ये, उसमें रात में बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये 1.50 का था, ये 1.75 का था,
इसी रेंज में थे, यानी कि 1.50-1.75 की ही रेंज में थे। ये देखिए प्लेट्स एक्टिविटीज थी, इसके अंदर आपको सारी पेस्टिंग करनी थी, और ये देखिए मुख्तलिफ एनिमल्स के मास्क पड़े हुए थे। यहाँ पे हैंगर्स जो थे महंगे थे, एक जो हैंगर था दैट वाज ऑफ 1.75 रियाल या 1.50 रियाल का था, बाकी सेट्स जो थे वो थोड़े एड ऑन होते जाएंगे चीज़ें जितनी उसके अंदर पीसेज होंगे। अच्छा ये पड़े हुए थे चीज़ें हैंग करने के लिए, डिफरेंट जो होते हैं मैग्नेटिक क्लिप्स होते हैं वो पड़े हुए थे। ये गुडी बैग के भी इनके पास बहुत बड़ी रेंज होती है, गिफ्ट पैक कह लें गुडी बैग कह लें, दैट वाज 1.50-1.75 और बहुत खूबसूरत रेंज थी, इतने ज़्यादा पड़े हुए थे। एक पीस आपको 1.50-1.75 का मिलेगा। जब भी आपने किसी को गिफ्ट देना हो तो काइंडली ऐसे ना दिया करें, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा उसको स्पेशल करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके जिस बैग में या उसको थोड़ा सा अच्छे से डेकोर करके अच्छे से करके दिया, ताकि उसको स्पेशल फील हो कि आपने सिर्फ गिफ्ट नहीं दिया, आपने अपनी एफर्ट्स डाली हैं थोड़ी सी उसको स्पेशल फील कराने के लिए और उस गिफ्ट को मज़ीद स्पेशल करने के लिए। अच्छा ये आप देखें यहाँ पे कॉइन बॉक्स पड़े हुए थे बहुत सारे, और यहाँ पे कीचेन्स भी आई, कीचेन्स वर सो क्यूट ओवर हियर कि मैंने, मुझे ज़रूरत नहीं भी थी फिर भी मैं एक दो उठाई, क्योंकि इतने क्यूट क्यूट थे जिसकी खरीदने बहुत अच्छे लग रहे थे। ये छोटी जो बास्केट हैं ये 2 point something की थी। यहाँ पे आपको पाउचेस बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 1.50 का एक पाउच होता है। ये गुडी बैग और इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी कि आपने छोटी सी कैंडीज़ वगैरह रखनी है तो उसके लिए यूज़ होने वाला सामान पड़ा हुआ था। नीचे पाउचेस पड़े हुए थे। ये बास्केट भी अच्छी लगती है अगर आपके घर में स्पेशली जब पार्टी वगैरह होती है तो उसमें आपने थोड़ा सा डिवाइड करने के लिए चीज़ों को रखना हो। ये है बर्नर्स हैं, आई थिंक वुड बर्नर्स हैं, ये भी आई थिंक 2 रियाल का एक पड़ा हुआ था। ये भी अच्छे लगते हैं जो लोग बखूर वगैरह यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं उनके लिए ये हमारे पास आ जाते हैं। लाइट्स वाले जो होते हैं ये वो थे। अच्छा अब ये किचन टॉवल्स आ गए हैं, ये एक पीस 1.50 का था, और नीचे इतने क्यूट पैकिंग में पड़े हुए थे किचन टॉवल्स, आइसक्रीम शेप में और कैंडी शेप में, लॉलीपॉप शेप में, इस तरह डिफरेंट शेप्स के अंदर पड़े हुए थे। अभी हम आ जाते हैं इधर, थोड़ी सी चीज़ें आपको एक्सपेंसिव भी नज़र आएंगी इस साइड के अंदर। ये टूथपिक्स थी, एयरबड्स पड़े हुए थे, साथ में आपके मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें भी बहुत सारी यहाँ मिल जाती हैं, बट थोड़ा सा महंगी होती हैं। ये जो टेप्स वगैरह जो दूसरी कटर के साथ टेप थी दैट वाज 1.75, बाकी जो जेलो वाली थी वो मैं खास से 5 रियाल की थी या इस तरह करके थे। ये एक बॉक्स कॉटन बेड का 1.50 का था। बैटरी सेल्स वगैरह भी पड़े हुए थे, आई थिंक वो 3 सेल्स या 4 सेल्स का पैकेट था, दैट वाज ऑफ 1.75 रियाल। ये जो 15 रियाल आपको नज़र आ रहे हैं, डोंट वरी, ये 15 बॉक्सेस थे उस पैकेट के अंदर। तो उन्हें अगर आपने ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें लेनी है तो आप पूरे पूरे पैकेट्स ही बने होते हैं तो वो भी उठा के अपनी ट्रॉलीज़ में रख सकते हैं। अच्छा वाइप्स के पैकेट्स भी बहुत अच्छे पड़े हुए थे। वाइप्स कितने का था, वाइप वाज ऑफ 1.50 फॉर वन वाइप पैकेट। ये अच्छे होते हैं, ये फ्रेग्रेंट वाइप्स होते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ट्रैवलिंग वगैरह में, खासकर बहुत बेहतर रहते हैं। इधर अबाया वाइप्स भी पड़े हुए थे, वो भी आपको नज़र आएंगे अभी। अच्छा ये नेल पॉलिश के सेट्स पड़े हैं, किचन की सॉरी ये कप्स वगैरह पड़े हैं, और ये कप्स वाला जो सेट था आई थिंक 2 point something का था, इसमें 2 कप्स और 2 चम्मच थे, छोटे गावा कप्स थे लेकिन अच्छे लगे थे, क्यूट लगे थे, आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। और घर में अगर आप गावा वगैरह या अगर चाय का आपको आदत है शॉट्स लेने की, कॉफ़ी शॉट्स या इस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे फिजिट्स वगैरह पड़े हुए थे। अच्छा इनकी यहाँ पे जो मोबाइल एक्सेसरीज़ का जो सामान आता जाएगा ना, उसकी प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा थी, लाइक 30 भी थी, 20 भी थी, क्योंकि ज़ाहरी बात है ये चीज़ें अब आपको 1 रियाल में तो मिलने से रही। अच्छा आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।